हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट लेसन 8, क्वेश्चन आंसर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस लेसन, क्वेश्चन आंसर। ओके, नाउ वन नंबर, हैव यू एवर विजिटेड एनी सी शोर, टू विच प्लेसेस। क्या तुम कभी समुद्र किनारे घूमे हो, तो कौन सी जगह है वो। ओके, सो आंसर इज यस, आई हैड विजिटेड ऑन अ ट्रिप टू तिथल विथ माई फैमिली। We went to the beach and we enjoyed a lot. Okay, so हाँ, मैं अपने परिवार के साथ तिथल की यात्रा पर गई थी। हम समुद्र तट पर गए थे और हमने खूब मजा किया। ओके, आप अपने जहाँ पर आप घूमे हो वहाँ पर वो नाम लिख सकते हो। मैं तिथल गई थी तो मैंने तिथल लिखा है। आप जो भी प्लेस में समुद्र के किनारे गए हो वो लिख सकते हो यहाँ पर। नाउ टू नंबर, ऑन वट डेट रिया राइड ऑन द सी श्योर। ओके, सो रिया ने समुद्र के किनारे किस पर सवारी की। जब रिया समुद्र के किनारे गई तो वहाँ पर उसने किस पे सवारी की थी, ये बताना है आपको। सो आंसर इज रिया रोड ऑन हॉर्स एंड कैमल ऑन द सी शोर। रिया ने घोड़ा और ऊंट की सवारी की थी वहाँ पर। ओके, सो नाउ थ्री नंबर, नेम द व्हीकल्स इन विच वी नीड टू बाय टिकट्स टू ट्रैवल। सो उन वाहनों के नाम बताइए जिनमें हमें यात्रा करने के लिए टिकट खरीदने की आवश्यकता होती है। ओके स्टूडेंट, तो आपको यहाँ पर आप नाम लिखना है आपको उनके, तो उन गाड़ियों के नाम लिखना है। जब हम घर से बाहर निकलते हैं, कहीं पे जाना होता है, तो हमें कौन कौन सी गाड़ियों के टिकट देने पड़ते हैं वो लिखना है आपको यहाँ पर। सो आंसर इज वी नीड टू बाय टिकट्स टू ट्रैवल इन मेट्रो, ट्रेन, एरोप्लेन, बस, ऑटो रिक्शा, बोट, शिप एंड स्टीमर एक्सेट्रा। ओके, हमें मेट्रो ट्रेन, एरोप्लेन, बस, ऑटो रिक्शा, बोट, शिप एंड स्टीमर आदि में यात्रा करने के लिए टिकट खरीदने की आवश्यकता होती है। और बहुत सारी है जो ऐसी गाड़ियां हैं जिसमें यहाँ पे मैं नाम मैंने मेंशन नहीं किया है। ओके, नाउ फोन नंबर, हु हैड कम टू रिसीव रियाज फैमिली एट वापी स्टेशन। रिया के परिवार को वापी स्टेशन पर कौन लेने आया था। सो आंसर इज रियाज मामा एंड हिज टू सन्स हैड कम टू रिसीव रियाज फैमिली एट वापी स्टेशन। रिया के मामा और उनके दो बेटे रिया के परिवार को वापी रेलवे स्टेशन पर लेने आए थे। ओके, नाउ फाइव नंबर, इन विच लैंग्वेजेस इज द नेम ऑफ ए स्टेशन रिटन ऑन अ रेलवे स्टेशन इन गुजरात। ओके, सो गुजरात के रेलवे स्टेशन में कौन सी भाषाओं में स्टेशन का नाम लिखा जाता है। ओके, आपने रेलवे स्टेशन में गए होंगे ना, तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि कौन कौन सी भाषा में लिखा जाता है। यहाँ पे हमें नाम मेंशन करना है, वो लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज है। सो आंसर इन गुजरात द नेम ऑफ ए स्टेशन रिटन इन गुजराती, हिंदी, इंग्लिश। ओके, गुजरात में हिंदी, गुजराती, अंग्रेजी में स्टेशन का नाम लिखा जाता है। ओके, नाउ सिक्स नंबर, वेयर इज जयपुर बीच लोकेटेड। जयपुर बीच कहाँ स्थित है। सो आंसर जयपुर बीच इज लोकेटेड इन दमन। जयपुर बीच कहाँ पर है, दमन में स्थित है। ओके, नाउ सेवन नंबर, व्हाट डिड रिया सी इन द इवनिंग ऑन द बीच। रिया ने समुद्र किनारे शाम को क्या देखा। ओके, सो आंसर इन द इवनिंग रिया सॉ दैट द स्काई वॉज लुकिंग कलरफुल एंड looked as if the sun was sinking into the sea water. शाम में रिया ने देखा कि आकाश रंगीन दिख रहा था, जो आसमान है वो रंगीन दिख रहा था, और जो सूरज है मानो ऐसा लग रहा है कि वो समुद्र के अंदर जा रहा था। ओके स्टूडेंट, तो आई एक्सप्लेन इन हिंदी दिस क्वेश्चन आंसर। ओके, so learn it and write in your notebook. Thank you.